हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, मोटिवेशन का हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी हिम्मत को बरकरार रखने और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने में बहुत अहम रोल अदा करती है। एक मोटिवेशनल स्पीच से मन को बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल देने की क्षमता रखता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको मोटिवेशन की अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तो दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा कही गई एक बात आज भी बहुत मशहूर है, शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के महान राजनीतिज्ञ श्री चाणक्य जी कहते हैं, एक महान लक्ष्य का निर्माण तभी हो पाता है जब हमारी सोच सकारात्मक और कल्पनाशील होती है, और उस महान लक्ष्य को हम तभी हासिल कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति सातवें आसमान पर हो। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो भी हम सोच सकते हैं, पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, और अगर सोचते हैं तो उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहते हैं। इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक कंपनी, हर एक एम्पायर किसी न किसी बड़ी कल्पना शक्ति, सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति का ही नतीजा है, जो आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। वरना रिस्क ना लेने वाले लोग, असफलताओं से डरकर छोटी और नकारात्मक सोच वाले लोग आज भी या तो मेहनत मजदूरी पर निर्भर हैं, या तो 10 साल से रगड़ कर 30 से 40 हज़ार की प्राइवेट जॉब पर लटके हुए हैं, या फिर काम चलाओ छोटा मोटा काम करके एक दुकानदारी तक ही सीमित रह चुके हैं, या फिर अमीर होने की जिद में गलत रास्ता अपनाकर किसी न किसी वारदात को अंजाम देते फिर रहे हैं। दोस्तों, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, टाटा, रिलायंस जैसी महान एम्पायर, दिग्गज कंपनियां जिनकी शाखाएं पूरी तरह से सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, यह सब भी किसी न किसी इंसान की सोच का नतीजा है। यहां तक कि आप जिस मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे हैं, ये भी किसी सोच का नतीजा है। दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना चाहता है, बस तरीके अलग अलग हैं। लेकिन अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना कहाँ तक का जायज़ लगता है? यानी आप नौकर बनकर लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं या मालिक बनकर? इस पर अपना कमेंट में ज़रूर राय बताना। क्यों? क्योंकि 5% लोगों को छोड़कर 95% लोगों का सपना यही होता है, और सोच भी यही होती है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, प्रमोशन होती रहे बस लाइफ सेट है। लेकिन इन लाखों में से कोई एक ऐसा भी होता है जो इन कंपनियों का एम्प्लॉई बनने का नहीं, बल्कि ऐसी दूसरी कंपनी खड़ी करने का सोच रहा होता है। और सिर्फ सोचते ही नहीं हैं ये लोग, बल्कि ऐसे एम्पायर को खड़ा करने का औकात भी रखते हैं। मैं बात पैसों की नहीं, हिम्मत और हौसलों का कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, मानता हूँ यह बात सही है कि, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी सोच से ही शुरू होती है। देखिए दोस्तों, जॉब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो जॉब्स होती है ना, ये हमारी फाइनेंशियली सीमाओं को बांध देती हैं। आप चाहकर भी इन सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जब तक ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुनिया में कुछ ऐसे सनकी लोग भी होते हैं जिनको वो करना होता है जिसे करने की हर किसी की औकात नहीं होती, और ये कोई आसमान से टपके एलियंस नहीं होते हैं, बल्कि हमारी आपकी तरह इंसान ही होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी कल्पना शक्ति जागृत हो जाती है, उनको अपनी सही काबिलियत पता लग जाता है, जिनको खुद पर विश्वास हो जाता है, और फिर जब इनकी इच्छा शक्ति काबिलियत को पर लगाती है तो ये आप में से ही निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। और यदि आप भी इन्हीं सनकी में से एक हैं तो
उन 95% लोगों वाली सोच को अपने आसपास भी भटकने मत देना, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके पंख काटती है। यही वो सोच है जो आपको आसमान की तरफ देखने भी नहीं देती है और ज़मीन पर ही रहने के लिए मजबूर कर देती है। यही वो सोच है जो आपकी काबिलियत को एक सीमाओं में बांध कर रख देती है, आपके हुनर का गला दबा देती है। मत भूलो कि आप उड़ने के लिए बने हो। याद रखना, भगवान हर इंसान के अंदर वो कला और वो हुनर कर भेजता है जिसके दम पर वह अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने की औकात रखता हो। दुनिया जीत सकता है। रोज़ लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, रोज़ लाखों लोग अपने करियर बनाते हैं और रोज़ लाखों लोग मर भी जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो इन लाखों की भीड़ से निकलकर कुछ अलग दिखाते हैं, अलग कर जाते हैं। क्योंकि दुनिया का एक ही वसूल है कि वो भीड़ को कभी भी याद नहीं रखती। जो लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं वो अक्सर कंफर्टेबल जोन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ आप में से ही निकलकर आगे बढ़ते हैं और एक अंपायर खड़ा कर देते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी सोच अलग होती है। ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि इनका और इनके परिवार का भविष्य सुधर जाए। आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरित होकर खुद की काबिलियत पर आगे बढ़ती रहें। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है भीड़ से हटकर कुछ नया करने का। ये लोग शुरुआत तो एक छोटे से स्तर से ही करते हैं, लेकिन खूब मेहनत, काबिलियत और तजुर्बों से मदद से एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। आप भी कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई रहेगी। पसंद आई रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।